हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे, आज मैं भारतीय विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का वीडियो प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए है नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है। बी है नव यथार्थवाद और नारीवाद अनुचिंतनवादी उपागम है। सी में है उत्तर संरचनावाद तथा नव उदारवाद तर्क बुद्धिजीवी उपागम है। और डी में है नारीवाद तथा उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है। तो आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर अपना चुनना है। तो ऑप्शन ए में है ए और बी, ऑप्शन बी में है ए सी और डी, ऑप्शन सी में है ए बी और डी और ऑप्शन डी में है ए और डी। आपको सही कथन का चयन करना है इन दिए गए कथनों में से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए और डी कथन बिल्कुल सही है, यानी नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है और नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है। देखिए, तर्क बुद्धिवादी मानते हैं कि ज्ञान का सामान्य तथा आवश्यक स्वरूप तर्क बुद्धि से हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और डी कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यह किसका विचार था कि उत्तर जीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन मेसेम मेयर, ऑप्शन बी केनेथ वार्स, ऑप्शन सी थ्यूसी डाइस और ऑप्शन डी जे स्नाइडर। यह किसका विचार था कि उत्तर जीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी केनेथ वॉल्स। देखिए, जो केनेथ वॉल्स थे वो नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद के लिए उन्नत विकास का वर्णन किया है। केनेथ वॉल्स का मानना था कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझने के रूप में लिया जाना चाहिए और इन्होंने संरचना के दो रूपों में परिभाषित किया। इन्होंने संरचना को दो रूपों में परिभाषित किया है। पहला रूप था अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का व्यवस्था सिद्धांत जो अराजकता लिए हुए है और दूसरा था इकाइयों में क्षमता का वितरण। वार्स का यह मानना था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी केनेथ वार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन R2P यानी संरचना का दायित्व के तीन स्तंभों का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए, यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। ऑप्शन बी है, यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को चार सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। ऑप्शन सी में यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। और ऑप्शन डी में है, प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्भर में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो R2P संरक्षण के दायित्व के तीन स्तंभों का भाग नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। संरक्षण का दायित्व एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है और यह वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो संरक्षण का दायित्व है वो क्या है, एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है जो 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। यह मूलतः सामूहिक नरसंहार, युद्ध अपराध, एथनिक क्लिंसिंग और मानवता के विरुद्ध अपराध को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका जो
एम था वो यह था कि ये सामूहिक नरसंहार और युद्ध में जो अपराध होते हैं और एथनिक क्लिनसिंग और मानवता के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उन्हें रोकने के उद्देश्य से इन्हें क्या संरक्षण के दायित्व को सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था और ये क्या है, यह एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है और इसमें ऑप्शन सी शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए में है जूलियस नेरेरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन बी में है भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की थी। सी जो कथन है वो 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी और डी में है नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। आपको बताना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में इनमें दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बी और सी कथन सही है, यानी भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की थी और 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। ठीक है, भारत ने जो 7वीं नैम शिखर बैठक थी उसकी मेजबानी की थी कब, 1983 में, और 17वीं नैम शिखर बैठक सितंबर 2016 में वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। शेष अन्य कथन जो हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में असत्य हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से जो कथन है वो नम्र शक्ति के बारे में सही है। आपका जो पहला कथन है वो नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। बी कथन है नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। सी में है नम्र शक्ति शक्ति का दूसरा फलक है और डी में है नम्र शक्ति आदर्शवाद का एक रूप है। आपको कूट की सहायता से अपना आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन ए में है ए बी और डी, ऑप्शन बी में है बी सी और डी, ऑप्शन सी में है ए बी और सी, ऑप्शन डी में है सी डी और ए। आपको बताना है कि इनमें से नम्र शक्ति के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी ए बी और सी कथन सही है, यानी नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है, नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा भी किया जा सकता है और नम्र शक्ति शक्ति का दूसरा फलक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग तथा किसी प्रकार के आकर्षण के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता सौम्य शक्ति या मृदु शक्ति या नम्र शक्ति कहलाती है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, नम्र शक्ति के स्थान पर अगर मृदु शक्ति या सौम्य शक्ति वर्ड का किया जाए तो। इस अवधारणा का विकास जोसेफ नाई ने 1990 में अपनी पुस्तक बॉर्न टू लीड में किया था। नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है और इसका उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा भी किया जा सकता है। नम्र शक्ति शक्ति का दूसरा फलक है और इसका वर्णन जोसेफ नाई ने 1990 में अपनी पुस्तक बॉर्न टू लीड में किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चूज करना है। तो अभिकथन ए है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है और तर्क दिया जा रहा है भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और कूट आपके हैं ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है और ऑप्शन डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। एसएसएल रीजन का ये क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। हालांकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है किंतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता मिल जाए। अतः कथन दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से जो कथन है वो सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। बी में है वर्ष 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था।
सी में वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया था। डी में भारत में अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 में प्रस्तुत की गई थी। तो आपको कूट की सहायता से सही उत्तर अपना चूज करना है। तो ऑप्शन ए में है ए, सी और डी, ऑप्शन बी में है ए, बी और सी, ऑप्शन सी में है ए और डी, और ऑप्शन डी में है सी और डी। देखिए जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एज इट इज़ आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन उनके फैक्ट्स क्वेश्चन में शामिल करके क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है इसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और कभी कभी एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और डी कथन सही है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर हो जाने के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र है और भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना पर 1996-2020 प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और डी कथन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज करेगा, ऑप्शन बी है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है, ऑप्शन सी में वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता है, ऑप्शन डी में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का ये प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके मुझे जोर से बताया करिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग ये बहुत खुशी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे क्विज सेशन में। तो आप लोग कमेंट करके अपना आंसर जोर से बताया करिए, आपके कितने आंसर जो हैं वो सही हुए हैं, आपका स्कोर कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है कांट के सिद्धांतों के प्रभाव के रूप में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इमैनुअल कांट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चर्चित जो बुक है वो है द परपेचुअल पीस, जो कि 1795 में प्रकाशित हुई थी। कांट युद्ध एवं शांति के संदर्भ में व्यापक अध्ययन करते हैं एवं अस्थायी शांति स्थापित करने की बात करते हैं। कांट की मान्यता है कि लोकतंत्र अन्य लोकतंत्र के विरुद्ध बल प्रयोग करने से परहेज करेगा और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने संघर्ष हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गालतुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन है ए, उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। बी कथन, उन्होंने संरचनात्मक सांस्कृतिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की। सी में उन्होंने शांति निर्माण शांति स्थापना एवं शांति रक्षा की चर्चा की, और डी में है उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध छद्म युद्ध और अंतर राज्य युद्ध की व्याख्या की। आपके सामने कोट हैं ए और डी, ऑप्शन बी में है बी और सी, ऑप्शन सी में है ए और सी, ऑप्शन डी में है ए बी और सी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए नॉर्वे के समाजशास्त्री गणितज्ञ एवं सिद्धांतकार जोहान गालतुंग ने संघर्ष हिंसा तथा शांति के ऊपर कई किताबें लिखी। इन्होंने पीस बाय पीसफुल मीन्स जो कि 1996 में प्रकाशित हुई थी, पायनियर ऑफ पीस रिसर्च जो कि 2013 में प्रकाशित हुई थी, चूज पीस जो कि 1995 में प्रकाशित हुई थी, सर्चिंग ऑफ पीस जो कि 2000 में प्रकाशित हुई थी, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनके बुक्स के नाम नोट कर सकते हैं। इन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है, और साथ ही इन्होंने कहा था कि प्रत्यक्ष युद्ध छद्म युद्ध तथा अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या इन्होंने की थी। तो ऑप्शन ए और डी सही है, यानी ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि यह विचार किसका था कि उत्तर जीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए जॉन मेसन मेयर, ऑप्शन बी केनेथ वाल्ड, ऑप्शन सी थ्यूदी डाइडस और ऑप्शन डी जे स्नाइडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी केनेथ वाल्स। देखिए नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी केनेथ वाल्स ने अपनी पुस्तक में जो कि थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद के लिए उन्नत विकास का वर्णन किया था। वाल्स का मानना था कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझने के रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसके अंतर्गत मैंने 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करवाई है आपसे। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। इन सारे वीडियोस के मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ उनके आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन पर मिलेंगे। तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ट्राइडेंट एजुकेशन शिप्रा वर्मा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और आप लोग इसके पहले देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और GIC लेक्चर एग्ज़ाम, इन सभी इनकी प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने क्रिएट कर दी है। आप सब अब तक 63 वीडियोस बन चुके हैं। तो आप लोग उन प्लेलिस्ट पे जाके उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, शेयर करेंगे तो ये वीडियो अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगा। और शेयर करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और नीडी स्टूडेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।